हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज कीर्ति मेहरा एंड यू आर वॉचिंग ऑब्वियसली कीर्ति मेहरा विद अनदर वीडियो विद अनदर व्लॉग। और आज हम जा रहे हैं काफी दिनों बाद अपने स्टूडियो अपार्टमेंट को छोड़ के अभी प्रिया से मिलने, क्योंकि बहुत दिन हो गए थे उससे भी मिली नहीं थी। तो अभी प्रिया से मिलने जा रही हूँ। आज उसने वर्क फ्रॉम होम ले लिया है, तो आज तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं गोली दे दूँ या कुछ भी कर दूँ। किले मैंने छुट्टी ली और तू क्या कर रही है? मैं बहुत ज्यादा थकी हुई हूँ, नींद में हूँ, ठीक है, जाम में भी हूँ। अभी प्रिया और मेरे उसमें कितना 15-20 मिनट का डिफरेंस है। उसमें मेरी आँखें मेरे साथ 2-3 दिन से एक चीज हो रही है कि जब मैं सो के उठ रही हूँ तो ये जो वाला जो हाथ है ना मेरा, ये यहाँ पे ये बहुत तेज दर्द हो रहा है इसमें। मतलब ऐसा लग रहा है कि हड्डी में पेन है या मसल पेन है, क्या है, एकदम सुन्न हो जाता है और दर्द हो रहा है। क्या है, क्या वो बहुत ही दर्द हो रहा है। अब तो अभी रिलाइज हुआ तोड़ फोड़ करने पे। और मेरे को ना तो ऐसे कोई चोट लगी है ना कुछ हुआ है, पर दर्द हो रही है बहुत तेज। कोई दम जरा, कोई दम जरा, कोई दम जरा, जरा मुस्कुरा दे, महका दे इस हवा को विद आसमान। घर की चाय मिली है, बहुत दिन बनाई थी वहां पे यार, वो है कोई रोके ना टोके ना ऐसी हंसी। गाइस, नींद आ रही है बहुत तेज और लॉर्ड को लेने जाना है 5 बजे। अगर मैं नहीं गई तो कलेश करेगा, और इसको भी नींद आ रही है। पर तेरे को कहीं नहीं जाना है, मेरे को जाना है अभी। यहाँ तो मैं इसके सहारे उठूंगी, या फिर मैं सोच रही हूँ हेड वॉश कर लूँ या करा लूँ, कुछ कर लूँ। बेकार हो रहा सर। जो अभी प्रिया ने कहा मेरा सामान पैक है, मेरा सारा, ये रहा, ये भी मेरा, ये सारा, ये भी मेरा, ये तो मेरा सामान, ये सारा, ये तो सारा मेरा सामान है बाय द वे। नींद आ रही थी तो अभी मैंने डिसाइड किया है कि इससे पहले मैं सो जाऊं तो मैं जाके अपना हेड वॉश करा लेती हूं, क्योंकि आज मेरे पास कोई काम है नहीं। एक वीडियो शूट करनी है, वो मैं सोच रही हूं घर जाके शूट करूंगी, क्योंकि घर जाना ही है आज। तो वो वीडियो घर पे शूट करूंगी, मम्मी के साथ शूट करूंगी, या कैसे शूट करूंगी वो दिमाग भी लगाऊंगी। पर अभी आज तो मैं बहुत ही नींद में हूँ, बहुत ही। मैं पानी की बॉटल मिल गई, मेरे को मैं ढूंढ रही थी कहाँ गई। हाल देख लो गाड़ी का क्या बना हुआ है। क्या इरादे बता दे होठों से सभी को, your dreams and your hopes तेरी बातों में ही हो, now take your chance। अभी मैंने इन पे सिर्फ बाल हल्के से सुखवाए, मैंने कुछ ड्रायर वगैरह नहीं किया है, और ये बाल बहुत प्यारे हो गए हैं, ठंडे ठंडे लग रहे हैं। मन हम जा रहे हैं अपने भाई को लेने ऑफिस से, उसके बाद हम निकलेंगे घर, क्योंकि कल है, मतलब जब आप ये व्लॉग देख रहे हो तब है होली का त्योहार, और ये जो है बच्चों के लिए होता है। तो मेरे भाई और मैंने फटाफट से सारे काम अपने निपटा लिए हैं घर पहुंचने के लिए, तो अभी बस उसे ऑफिस से लेने जा रही हूँ, फिर सीधा घर के लिए निकलेंगे। और बहुत जाम मिलने वाला है, दिखाऊंगी आज तुमको, देखना कि दिल्ली गुड़गांव करने में कितना टाइम लगता है। दिख जा दिख जा दिख जा दिख जा, और नीचे होने से पहले पहले देख लो, कितना प्यारा लग रहा है। यार मेरे को सुकून नहीं लेना चाहिए। ओह कितना प्यारा लग रहा है भाई, ये देख लो, ये देख लो जाम। ए गाइस देख लो, मैं कह रही थी ना ये दिखा रहा है अभी 2.5 घंटे, और ये अभी जब ये हट जाएगा, जब आगे हम रास्ता चलना चालू हो जाएंगे तब ये हो जाएगा 3 घंटे। कम से कम लग जाएंगे 3 घंटे। ऑफ कोर्स यार, ये आ गए अपना नौकरी दिहाड़ी पूरी करके। गाइस बहुत टाइम से सोशल मीडिया पे काफी ज्यादा चीजें फैल रही है, ये बोल देना वो बोल देना मेरे कमेंट सेक्शन में आके। मैं काफी टाइम से इग्नोर कर रही हूँ, काफी टाइम से, क्योंकि अब मुझे इन सब चीजों पे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। पर तुम लोग क्या करते हो, तुम लोग उकसाते हो और इतनी गंदगी फैला देते हो जिसकी कोई हद नहीं होती। मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, आपको मेरा अकाउंट दिख रहा होगा पर मेरे फोन में ट्विटर नहीं है, मैंने ये ऐप को डिलीट किया हुआ है, मुझे उस गंदगी में पड़ना ही नहीं। पर हाँ, मेरे को कहीं ना कहीं से 2 हफ्ते में पता चल जाता है कि
ये चीज चल रही है, तो मैं सोचती हूँ चल जाने दे, मेरे इस चीज में अगर मैं हूँ ही नहीं तो मैं वहां पे जाके देखूंगी क्यों, नहीं देखती मैं। तो तुम जो भी ट्विटर पे कर रहे हो, पहली बात तो तुम अपनी ही दुनिया में करे जा रहे हो, वो चीज मेरे तक नहीं आ रही है कि तुम सोचो कि तुम डेली आके मेरा मेंटल पीस हिला दोगे या मेरे को कुछ ऐसा हो जाएगा, नहीं। पर ये जो भी तुम डेली कर रहे हो, सुबह उठते से लेके सोने से पहले तक मेरे YouTube के कमेंट सेक्शन में आके वो सारी चीजें करना, ये चीज तुम सिर्फ अपने एक मोटिव से कर रहे हो कि हमें तो कीर्ति को गलत दिखाना है, हमें कीर्ति को गलत दिखाना है। कुछ भी हो जाए, चाहे वो तुम धोखेबाज कह लो, चाहे तुम और 10 नाम कह लो मेरे को, तुम्हें सिर्फ प्रूफ करना है, और वो सिर्फ इसीलिए प्रूफ करना है कि तुम्हारी ईगो सेटिस्फाई हो सके कि कीर्ति तो धोखेबाज है, कीर्ति ये है, कीर्ति वो है, फलाना है कि धमकाना है, पता नहीं क्या क्या। पर मैं आज तुम्हें बता रही हूं, एड़ी चोटी तक का जोर लगा लेना, एड़ी चोटी तक का, जिंदगी में जितनी तुम्हारी जिंदगी है जितनी मेरी जिंदगी है, किसी को भी उठा के मेरे सामने ले आना, कोई भी बंदा अगर मेरे को ये टैग जो भी तुम देना चाहते हो ये प्रूव कर दे, तुम्हारे को सिर्फ ये है कि ये प्रूव हो जाए, हमें शांति मिल जाएगी, बाकी सब लोग भाड़ में जाए, और मैं चुप भी हूं इसीलिए कि चलो तुमको ऐसा लगता है ठीक है जाने दो, चुप सिर्फ इसीलिए हूं कि जिस नाम को यूज करके तुम ये कमेंट करते हो, या जितने भी तुम फैन पेजेस बनाते हो, या जितने भी तुम अकाउंट बनाते हो, जिन नामों को तुम यूज करते हो ना, मैं उन नामों पे कुछ नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। वरना अगर मैं अपने पे आई तो ये पड़ा मेरा फोन ऐसे सामने कर दूंगी पब्लिक के, फिर सब लोग भागते घूमोगे, अपने अकाउंट बंद करते घूमोगे, सब कुछ करते घूमोगे, क्योंकि मेरे को नहीं है किसी चीज का डर। डर उसको होता है जो इंसान गलत होता है। एक बार मैंने अपना ये फोन खोल के ऐसे सामने सोशल मीडिया पे फेंक दिया ना, मैं बता रही हूँ कुछ जस्टिफिकेशन, कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम दे भी पाओ। तो अगर एक लड़की बर्दाश्त कर रही है एक हद तक, लड़की भी छोड़ो तुम्हें उसकी भी शर्म नहीं है, कोई बात नहीं, अगर कोई इंसान बर्दाश्त कर रहा है तो उसको इतना मत उकसाओ कि वो पागल ही हो जाए और फिर उन लोगों को नुकसान पहुंच जाए जिन लोगों के तुम लॉयर बने पड़े, समझ आई? तो मेरे साथ ये चीजें मत करो। अगर कुछ करना है अपना भैया काम धंधा करो, अपना पैसे कमाओ, अपना बढ़िया अच्छी अच्छी चीजें कमेंट करो, अपने अच्छे अच्छे आके सजेशन दो, जितने भी देने हैं सारे वेलकम है। पर अगर तुम्हें ये सब करना है ये भी वेलकम है। दूसरी बात ये रही, दो दिन में बहुत वो उठ गई, पार्टी में चली गई। अरे तुम रोकोगे? कौन हो तुम रोकने वाले? अगर तुम्हें इतनी दिक्कत है मेरे पार्टी में जाने से, या मेरे म्यूचुअल्स होने से, या मेरे दोस्त होने से, अगर तुम्हें दिक्कत है कि मेरे ये दोस्त क्यों है, वो दोस्त क्यों है, ये फलाना क्यों है, टिमकाना क्यों है, जाके उनको बोलो, मेरे पे तुम्हारा कोई जोर नहीं है। ये मैं आज बता रही हूँ, कल बता दूंगी, परसों बता दूंगी। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे ये सब करने से तुम मेरे पे जोर चला लोगे, सवाल ही पैदा नहीं होता। जाके दूसरों को बोलो कि यहाँ पे कीर्ति खड़ी है, यहाँ मत जाओ, बोल दो, ठीक है? दूसरों को रोकना मेरे को इसीलिए टारगेट करते हो, क्योंकि लगता है सॉफ्ट टारगेट है, इसे पकड़ लो, इसको बोलो। बेटा नहीं हूं मैं सॉफ्ट टारगेट, मैं बस चुप हूं, सिर्फ एक शर्म है जिसकी वजह से चुप हूं। अब तुम मेरा नाम चाहे इससे जोड़ो, उससे जोड़ो, अगले से जोड़ो, पिछले से जोड़ो, जितनों से जोड़ना है जोड़ो, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तुम्हें मैं किसी के साथ दिखू ना, ये मेरा भाई बेटा, लो इसके साथ भी नाम जोड़ दो, सबके साथ नाम जोड़ दो, जो उखाड़ना है उखाड़ लो मेरा। पर तुम मुझे वो प्रूव नहीं कर पाओगे जो तुम करना चाहते हो, है ना? अपनी तरफ से बस इतना ही है, ये मेरी आखिरी एक्सप्लेनेशन मान लो, जस्टिफिकेशन मान लो, या वार्निंग मान लो, या जो भी मान लो, जो तुम मुझे प्रूफ करना चाह रहे हो जिंदगी में कभी प्रूफ नहीं कर पाओगे, सिर्फ बातें बना पाओगे, सिर्फ कमेंट कर पाओगे। पर जिस दिन मैंने अपनी शर्म खो दी, और शर्म भी सिर्फ इस चीज की है कि भाई मेरे को मेरे बाप ने एक बहुत अच्छा इंसान बनाया है, और इस चीज पे मैं बहुत प्राउड भी फील करती हूँ, पर जिस दिन मैंने ये शर्म खो दी, अपने माँ बाप के संस्कार में भूल गई, उस दिन मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को, चाहे मेरे सामने 10 बंदे खड़े हों। ये जो तुम बोलते हो ना कि ये कर दिया वो कर दिया, फिर वो सब कुछ मैं करके दिखा दूंगी, अभी तो मैंने किया नहीं है कुछ, फिर भागते घूमना। और अभी भी बहुत सारे लोग आएंगे और बोलेंगे छोटा हाथी, कोई बात नहीं, आपने मेरे को बहुत अच्छा दर्जा दिया है, आप कमेंट सेक्शन में ये चीज लिख के तसल्ली कर लेना। मैं खुद को ये सोच के तसल्ली दे लूंगी कि जब बाजार में हाथी चलता है तो 100 कुत्ते भौंकते हैं,
मैं खुद को ये सोच के तसल्ली दे लूंगी। और जितने भी लोग जिस भी अकाउंट से मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने आएंगे या मेरे कैरेक्टर के बारे में बताने आएंगे, उन सब लोगों को मैं ये बता दूं कि आप मुझे मेरा ऑनलाइन सर्टिफिकेट दे दो, मैं आपसे वही सर्टिफिकेट ऑफलाइन आपके घर में कदम रख के लूंगी। जिस मर्जी अकाउंट से कमेंट कर लो, जितने मर्जी फेक अकाउंट बना लो, जो भी करना है कर लो, पर अगर आप मेरे को कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे रहे हो तो ध्यान रखना मेरे को वो सर्टिफिकेट जो है ऑफलाइन चाहिए, फेस टू फेस। और अगर तुम्हारे बस की वो करना नहीं है तो मेरे कमेंट सेक्शन में मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट देने मत बैठो। मेरे घर वाले बैठे हैं सब कुछ करने के लिए, मेरे दोस्त बैठे हैं मेरे दोस्तों पे उंगली उठाने के लिए, मैं कहाँ जा रही हूँ कहाँ नहीं जा रही उस पर उंगली उठाने के लिए, मैं क्या कर रही हूँ क्या नहीं कर रही उस पर उंगली उठाने के लिए मेरे घर वाले बैठे हैं। तुम कोई नहीं होते, और अगर तुम्हें लगता है कि तुम कुछ होते हो तो कमेंट सेक्शन खुला है तुम्हारे लिए। आज से जितना गंद फैलाना है, चाहे ट्विटर, यूट्यूब, स्नैपचैट, इंस्टा, जितना गंद फैलाना है फैलाओ, आज के बाद से मेरे को एक रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा। थैंक यू। वापस बैक टू क्यूटी हो जाते हैं। लाइट्स कैमरा एक्शन। हमारे घर में कुत्ते की कमी थी, हमारे घर में तोतों की कमी थी, हमारे घर में ये मछलियाँ और आ चुकी हैं। ये किस लिए आई हैं? नेटवर्किंग को दूर करने के लिए मुझे करना, क्योंकि लोगों को मेरी बेटी से बहुत दिक्कत है, बहुत दिक्कत है। हमें तो पता ही नहीं हमारी लड़की क्या करती है, हम तो पागल है, हमें तो पता ही नहीं वो कहाँ जाती है कहाँ रहती है, हम तो पागल है। हमने तो इसको ऐसे छोड़ रखा है जैसे, हमें तो पता ही नहीं हमारी लड़की क्या करती है, बिना पूछे क्या करती है, जो पागल दुनिया सोचती है। मेहनत क्या होती है जरा देखो तो सही, ना बनाया खाना आसान है, बना के खाना चाहे तेरे फॉलोवर्स को बुरा लगे। हम जानते हैं हमारी बेटी कैसी है और कैसी नहीं है, आठ डाल तू ये सारी चीजें, हमें पता है जो बोलते हैं वो वैसी, तुम्हें पता है दो मिनट की वीडियो देख के करते हैं, हमें नहीं पता वो किस टाइम आती है किस टाइम जाती है कहाँ जाती है। आज मैं ये बोल रही हूँ, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है ना मुझे शौक है, लेकिन इस वजह से बहुत हद कर दी है आप लोगों ने। हम सुखी हैं, अगर उसको इतना चढ़ने का होता ना तो वो मेहनत की खा रही है, किसी की सिंपति लेके नहीं खा रही है। नहीं बहुत तंग आ गई, 24 घंटे देख रही हूँ, जब देखो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, जब देखो लड़की के पीछे पड़े रहते हैं, अरे उसकी मेहनत तो देखो, अब है अभी जिंदा, देख लेंगे उसको, आप टेंशन मत लो, आप उसके करेक्टर की तरफ मत जाओ, ठीक है ना। अपने करेक्टरों को देखो वो ज्यादा अच्छा है, और उनके लिए बोलो जो अपने करेक्टरों को देखो अपने, और जो नेगेटिव करते हैं ना नेगेटिव फॉलोवर्स, उनके लिए बोल रही हूँ, जो सिर्फ पॉजिटिव है। दूसरी बात, किसको हग करती है वो, किससे कपड़े पहनती है वो हम डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करोगे। हग करने से कपड़े पहनने से किसी लड़की का करेक्टर नहीं होता, और पढ़े लिखी हो तो करो, तो लागत है तुम्हारी पढ़ाई लिखाई पे। सो जाते जाते मैं बस एक यही चीज बोलूंगी जो मैं बोलना भूल गई थी, मेरे को एकदम से याद आ गई कि व्लॉगिंग से जो मैंने बैक स्टेप लिया था उसका कहीं ना कहीं मेजर रीजन यही था कि मेरी व्लॉगिंग से या मेरी लाइफ को दिखाने से लोगों को बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही थी, बहुत ज़्यादा उस चीज़ का तमाशा बना रहे थे। ठीक है, कंटेंट भी एक बहुत मेजर रीज़न था कि मैं कुछ अलग दिखाना चाहती हूँ, पर उससे बड़ा रीज़न ये था कि मैं व्लॉग बनाऊँ तो दिक्कत, और अगर मैं व्लॉग ना बनाऊँ तो जजमेंट कि इसके साथ होगी उसके साथ होगी, ये कर रही होगी इसलिए नहीं बनाया, मैं कोई स्टोरी लगाऊँ तो दिक्कत, मैं कोई गाना लगाऊँ तो दिक्कत, मैं कोई कैप्शन लगाऊँ तो दिक्कत, मैं अपने दोस्तों के साथ घूमूं तो दिक्कत, मैं ट्रिप्स पे जाऊं तो दिक्कत, मैं अपने अगर डॉग को भी दिखा दूं तो दिक्कत, मैं कुछ भी करूं हर चीज़ से दिक्कत, कहीं ना कहीं खोट ढूंढना ही ढूंढना होता है। मैं अगर जवाब दे दूं तो दिक्कत, अगर मैं जवाब ना दूं तो गलत होगी इसलिए पक्का जवाब नहीं दे रही। अरे भाई हद पार कर। मैं जो चीज़ें कर रही हूँ वो पूरी दुनिया में सब लोग कर रहे हैं, चाहे मेरा ग्रुप हो, दूसरा ग्रुप हो, तीसरा ग्रुप हो, चौथा पांचवा, तो जितने हर कोई सेम चीजें कर रहा है, कोई नोटिस में नहीं आती, किसी के कुछ नोटिस में नहीं आती, अंधे हो जाते हैं, काणे हो जाते हैं। पर मैंने कर दिया कुछ हल्का सा, मैंने कोई जोक भी मार दिया, कुछ ना कुछ बोले, कुछ ना कुछ होगी, कुछ ना कुछ बात निकालेंगे। तुम लोग चाहते हो कि मैं कोने में पड़ी रहूं, अकेले पड़ी रहूं, रोती मरती रहूं, पर ऐसा नहीं होगा, मुझे समझ आ चुका है। तुम लोगों को मेरे खुश रहने से दिक्कत है, और वो अब मैं तुम्हें और करके दिखाऊंगी।